रहीम नाइन्थ का हम मैथ कर रहे हैं और आज यूना जो 12 है और उसका थ्योरम नंबर 4 है जो हम कर रहे हैं, इसमें लिखा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। ये एनी पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो ये इधर हमने फिगर को बनाया भी हुआ है, लेकिन मज़ीद मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये हमारे पास ऐसे फिगर बनेगी कि ये मेरे पास एक एंगल है, ये वाला एंगल। तो उसमें कहा है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल, तो एंगल को एक पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है और वो ये पॉइंट है। यहां पे हम लिख लेंगे ये ओ है, ये ए, ये ओ, और ये वाली हमारे पास बी पॉइंट आ गया। एंगल इज इक्वी डिस्टेंट, कहते हैं ये इक्वी डिस्टेंस है। यहां पर मैं एक पॉइंट लूंगा और वो नुक्ता पी है, और इसने इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया। इस एंगल एंगल एक है और उसकी दो लाइंस है, तो उसने दो लाइन को बाइसेक्ट कर लिया। ऊपर वाले को हम आर लिख लेते हैं पॉइंट जहां से बाइसेक्ट किया, और नीचे वाले को हम क्यू लिख लेते हैं, और इसके साथ ये साथ 90 का एंगल बनाएगा जो साथ शो कर देगा कि जहां पर ये बाइसेक्ट करेगा वहां पर साथ एंगल बन रहा है। इसको नाम दे दिया हमने इस लाइन को कि ये है, आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। तो अब हम देखते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट आर्म्स, कहते हैं ये इसके आर्म जो है, जो इसकी लाइन है वहां से ये इक्वी डिस्टेंस बराबर फासले पर है। साबित करते हैं हम इसको। गिवन अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम, ये ओ एम पर एक पॉइंट है पी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, और ये जो एंगल है ए ओ बी, ये उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है उसको, उसको काट रहा है। प्रूफ हमें ये चाहिए, उसने कहा कि ये जो एक पॉइंट है जिसे पी से आर और पी से जो क्यू है ये इक्वी डिस्टेंस है, हम फासला है, हमने इसको साबित करना। पी क्यू ये कंक्यूरेंट पी आर के, P is equidistant from O to A और O to B, ये पॉइंट हमारे पास P क्या है, ये equidistant, जहां से P से लेकर यहां तक भी उतना ही फासला है और ये P से R तक भी उतना ही फासला है। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें की साथ कि इस पॉइंट को हमने ये साथ डार्टर मिला दिया जिससे हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसमें से एक का नाम ये पी ओ आर बन गया, या हम इसका नाम पी ओ ये पी ओ आर और दूसरा पी ओ क्यू, कि दो हमारे पास ट्राइंगल बन गए, जिससे साबित करना आसान हो जाता है जब भी ट्राइंगल थ्योरम के अंदर मसले के अंदर आती है। कंस्ट्रक्शन, ड्रा पी आर, ये परपेंडिकुलर है ओ ए के, हमारे पास ये पी और आर ये किस पर परपेंडिकुलर है, ओ और ए पर, ओ और ए पर। एंड पी क्यू जो नीचे है, ये पी और क्यू वो किस पर परपेंडिकुलर है, ओ और बी पर, ये दोनों पर जो हमारे पास है उसके बाजू है उन पर वो परपेंडिकुलर है। हमने प्रूफ सबूत लेके आना है जिसमें दो चीजें आती हैं, स्टेटमेंट्स और साथ है रीजन। स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, एक हमारे पास है पी ओ आर और इसका लिंक है ट्राइंगल पी ओ क्यू के साथ। दो पी ओ क्यू हम पहले भी लिख सकते हैं और हम बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ट्राइंगल का रिलेशन हम इधर बता देंगे। नीचे हमारे पास दोनों के पास ये ओ और ए कंक्यूरेंट है ओ और पी के, यानी कि ये तकरीबन इट्स इक्वल ओ ए एंड द इक्वल इज ओ ए, दोनों के अंदर ये मौजूद है, फर्स्ट ट्राइंगल में भी और सेकंड ट्राइंगल में, इस वजह से ये साइड हमारे पास कॉमन है क्योंकि ये दोनों में ही मौजूद है, इसलिए हमने लिख लिया कॉमन, ये पहली साइड आ गई। दूसरा हमने लिखा एंगल क्यू और एंगल आर, एक ये एंगल जो राइट एंगल है और एक ये एंगल राइट एंगल है, तो हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं।
पी क्यू ओ, जिसे जो मिड वाला एंगल है उसी को अकेला भी लिखा जा सकता है जिस तरह मैंने लिखा है एंगल आर, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं पी आर और ओ भी लिख सकते हैं, हम अकेला भी लिख सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं। फिर नीचे एंगल ओ, ये जो एंगल है ये दोनों के अंदर कंग्यूरेंट है, तो ये जो हमारे पास एंगल हमने बनाया था आर और ये किससे बना था, कंस्ट्रक्शन से, इस वजह से हमने सात रीजन दे दी कि ये अमल से कंस्ट्रक्शन से बना है। फिर नीचे आ जाए कि हमारे पास एंगल ओ और एंगल ओ, ये दोनों में नीचे वाले पर भी एंगल ओ ही है, ऊपर वाले का भी ओ ही, क्योंकि वो एक कोने पे है, इस वजह से हम उसको लिख लेंगे कि ये चाहे आप पी, ये पी ओ क्यू लिख लो, और ये हम पी ओ आर भी लिख सकते हैं, अकेला वो भी लिख सकते हैं, और साथ जब हम ये शो कर देंगे इससे मुराद हो जाएगा कि नीचे वाला, और अगर आर वाला होगा तो उसे शो हो जाएगा कि वो ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी चीज़ हमारे पास क्या दी गई है, ये मौजूद है, इसका पता है हमें। फिर इसीलिए हमारे पास अगर तीन चीज़ें पूरी आ गई जिसमें ये पहले भी साइड है, दूसरा भी एंगल है और तीसरा भी एंगल है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू कंग्यूरेंट ट्राइंगल पी ओ आर, और आगे लिख लिया साइड एंगल एंगल कंग्यूरेंट साइड एंगल और एंगल के हैं। और नीचे जब ये प्रूफ हो चुका है तो हमने लास्ट पे जो प्रूफ की स्टेटमेंट है, जो प्रूफ की हमारे पास रीजन बताई गई है, वो हम लिख देंगे कि हेंस पी क्यू कंक्यूरेंट, और ये पी और आर के है, और आगे लिख देंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंक्यूरेंट ट्राइंगल, मतमासर मसलसों का ये मतनाजरा हमारे पास आ चुका है, यही रिक्वायर्ड इंग्लिश मीडियम है, और आपको पता है कि हमने इससे पहले उर्दू मीडियम में किया था और आज हम इसको इंग्लिश मीडियम में किया है। उम्मीद है कि समझ आई होगी।